कर्नल साहब नमस्कार। ये जो जी पूरी हेलो। स्थिति है, इसमें भारत के लिए जो परेशानी है इस वक्त, ये परेशानी कितनी बड़ी हो सकती है? इसे किस तरह से भारत को फेस करना चाहिए, भारत सरकार को इस परेशानी को? जी सबसे पहले तो मैं क्योंकि परेशानी मैंने आपकी पहले बातें सुनी नहीं है, पर मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि ये बड़ा गंभीर स्थिति है हमारे देश के लिए। और ये गंभीर स्थिति इसलिए नहीं है कि कोई एक तख्ता पलट हमारे पड़ोस में हो गया है या कोई दूसरे देश में ऐसा हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश और जो हमारा, मैं इस पूरे किस्से को, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पूरे को जब सुरक्षा के लिहाज से और जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखता हूं, तो ये साफ जाहिर होता है कि ये जितनी भी गतिविधियां, भारत इसका मुख्य केंद्र बिंदु रहता है। और जिस प्रकार से, जिन हालात में ये हुआ है, चर्चा बड़े बड़े विद्वान कर रहे हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती, आगे क्या है, पर ये बात एक-एक हमारे भारत के नजरिए से देखा जाए तो मैं बहुत गंभीर मानता हूं, पहली बात। दूसरी है कि सुरक्षा के मामले से मैं पहले आना चाहूंगा, क्योंकि बाकी चर्चाएं बहुत विषय विद्वान बैठे हैं। देखिए कि बांग्लादेश का जो जन्म होता है वो 16 दिसंबर 1971 को होता है, और जिन परिस्थितियों में होता है वो हम सबको पता है। उस समय पाकिस्तान के हिस्सा हुआ करता था, और जब कोई भी इलाके का कोई इस तरह का विवाद होता है या कोई वहां पर सरकार द्वारा गलत नीतियां अपनाई जाती हैं, तो कुछ लोग नागरिक होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। तो जब बनता है ये, तो उस समय से लेकर के आज तक जितनी जो बांग्लादेश की स्थिति और उससे जो हमारे ऊपर असर पड़ा था उस समय, ये चर्चा बहुत कम होती है कि भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर किसी देश के साथ सबसे बड़ा है, तो 4,332 किलोमीटर वो बांग्लादेश के साथ है। तो आप सोचिए जी कि 71 से पहले हमारा एक 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 अलग देश से हमारा मुकाबला नहीं था। तो पहली चीज तो ये आती है सुरक्षा के लिहाज से। हम देख रहे हैं कश्मीर में, और पाकिस्तान का टुकड़ा रहा है, तो पाकिस्तान वाले जमायती इस्माइली, जो इस्लामी कहो या वो कट्टरपंथी कहो या जिहादी ताकतें कहो, वो बांग्लादेश में मौजूद है, ऐसा इसका कोई दो विषय नहीं है। तो पाकिस्तान एंगल ऑलवेज एक्टिव अगेंस्ट इंडिया थ्रू बांग्लादेश। जी नाउ उसके लिए आज के दिन जो स्थिति पैदा हुई है, जब जहां पर उनकी चुनी हुई सरकार गिर गई है, गिराने के पीछे कारण कौन है, पर भारत के उसके उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है। कैसे, देखिए, अगर आपको याद हो, जो जो इतना बड़ा बॉर्डर है जम्मू कश्मीर में, हम देखते हैं कि फेंस लगी हुई है, सेना लगी हुई है, पूरा तंत्र, फिर भी पाकिस्तान अपने कुछ उग्रवादी कहो या अपने सैनिक कहो उनको, या तस्कर कहो या ड्रग माफिया कहो, वो लोग बाग कोई न कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। और फेंस को पार करने में आजकल तो ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, टनल्स का निर्माण कर करके वो नीचे से करे। तो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो बड़ा, मैं मानता हूं, वहां से बहुत सारा खतरा बिल्कुल ओपन हो चुका है। दूसरी बात, पहले क्या था कि जब शेख हसीना थी, उस समय तक उनकी स्टेट पॉलिसीज ऐसी थी कि वो उग्रवाद को या एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस को या उन लोगों को समर्थन नहीं करती थी, जिसके कारण हमारा पूर्वी क्षेत्र में शांति का प्रसार हुआ, और हमें बड़ी आसानी रही डील करने में। अब आप सोचिए, अगर ये वैसा ही किस्सा हो जाएगा, अगर जमायती इस्लामी वालों की कोई पार्टी आ जाएगी या बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लोग अगर वहां आ जाते हैं जो पाकिस्तान के नजदीक हैं, और इस तरह के विचारधाराओं में, कम्युनिस्ट विचारधारा कहो या एंटी, जो अपने जिस देश में खाते हैं वहीं पर ही वो छेद करने की विचारधारा कहो, तो उनसे खतरा बढ़ गया है। इस खतरे के साथ साथ जो कि मिलिट्री रिलेटेड कम है, अब मैं आता हूं हमारे जो चारों तरफ जो देश हैं। अब देखिए, हमारे जो स्टेट्स हैं, मणिपुर, वहां ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है। उसके अलावा जो उस तरफ 7 स्टेट जिनको हम कहते हैं, वहां पर किस प्रकार से बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, इवन आईए सीआईए का भी एंगल कुछ चर्चाओं में चल रहा है, और विद्वान कह रहे हैं कि ये सारे मिलकर के ये डिस्टेबलाइज किया। डिस्टेबलाइज में मैं भारत के नजरिए से कहना चाहूंगा कि देखिए, एक सरकार को, चुनी हुई सरकार को गिराने का
ये जो CIA का एक नैरेटिव है, जो मैं बहुत दिनों से आप सब लोग भली भांति हैं कि जब उनके कोई दुश्मन देश या जो उनका टारगेट होता है कंट्री, सबसे पहले वो जो सरकार अगर उनकी बात नहीं सुनती है तो उनके विपक्ष के जो लोग हैं, उनके उनके जो मीर जाफर काइंड जो लोग होते हैं, उनको वो टारगेट करते हैं, उनको अपनी तरफ करते हैं और चुनाव से पहले उनको बहिष्कार करने का एक नैरेटिव चलाते हैं कि नहीं नहीं हम हिस्सा नहीं लेंगे, हमारी बात नहीं मानी जाएगी। फिर चुनाव होते हैं, जो चुनी हुई सरकार जो जीत जाती है उसके अगेंस्ट एक नैरेटिव चलाते हैं, अरे ये चुनाव तो रिग हुए हैं, ये चुनाव तो गलत हुए हैं। और हर देश में ऐसे लोग हैं जो इस नैरेटिव के साथ बह जाते हैं, और जब वो सरकार बन जाती है तो वो इश्यूज को पकड़ करके चलते हैं। भारत में खतरे को जोड़ना चाहता हूं, आज के दिन हमारे देश, वहां उन्होंने इश्यू पकड़ा रिजर्वेशन का और उसको लेकर के उनके कंधे पे वो चढ़ गए और आज का स्थिति आई। अब भारत को देखिए, भारत को भी चुनाव से पहले का, मैं राजनीतिक चर्चा की नहीं, ये आंकड़ों की चर्चा है। अमेरिका ने जो उनकी भूतपूर्व शेख हसीना जी हैं, उन्होंने कहा था कि एक देश है जो चाहता है कि बांग्लादेश के टुकड़े हो जाएं, वो ये चाहता है कि हमको एयरबेस दिया जाए। और उसी देश में मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि रशिया की मदद से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, वो जगह मुझे गांव शहर का नाम याद नहीं है। भारत के साथ चीन के विरोध के बावजूद तीस्ता का हमारा जो समझौता होता है, अब भारत कैसे इसे इफेक्ट हो रहा, देखिए राजनीतिक तौर पे देश के, भारत में भी ऐसी समस्याएं हैं। जो CIA का मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल कहता है देश में अस्थिरता फैलाने के लिए, उन्होंने हमारे साथ ट्राई किया, अगर मैं इलेक्शंस को सही फॉलो किया है तो एक राजनीतिक पार्टी मैंने नहीं देखा कहते हुए कि भाई बीजेपी की पॉलिसी खराब है, इनके विरोध में हमें ये अच्छे काम करने। उनका एक ही नैरेटिव था कि मोदी को हटाओ। तो ये CIA मॉडल है, जब वो नहीं हटा पाए, आपको होगा जब इलेक्शंस के पहले वो फोरकास्ट क्या बोलते हैं उनको, जो जिसमें बताते हैं कि कौन पार्टी जीत रही है, एग्जिट पोल, उससे पहले आप खुद गवाह है, देश गवाह है कि जो लोग हारने वाले, उम्मीद थी हारेंगे, लाइक एज ए सिटीजन मैं कह रहा हूं, वो कहते हैं अगर मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिल गया तो हम सड़क पे आग लगा देंगे, हम सड़कों पे, हमने डराने की मॉड्यूल तैयारी किया। शुक्र हो वो पता नहीं भगवान जी की कृपा रही कि मोदी जी को 272 से कम मिली, वो सड़कों पर नहीं आए। और उसके अलावा थोड़ा पहले जाइए, मैं किसी का भावना को आहत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका